कार्य मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को आज सुनाई जाएगी सजा। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन शुरू, कल यही ढेर हुआ था एक हिजबुल आतंकी। बेंगलुरु कन्नूर, बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 कोच पटरी से उतरे। दिल्ली में छाई धूप की चादर, हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। औरैया के बिधूना कस्बे में श्रृंगार का मैरिज गार्डन में भाजपा राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने अपना जन्मदिवस मनाया। सेवा और संकल्प दिवस के रूप में इस जन्मदिवस को मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी मोर्चा के पदाधिकारियों से लेकर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही उनकी असली पूंजी है। कार्यकर्ताओं के सम्मान एवं हितों के साथ वो किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगी। जबकि इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में 2022 में भी भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। संभल के एचौड़ा कम्बोह में चल रहे 5 दिवसीय कल्किक महोत्सव में कांग्रेसी नेता राशिद अलवी पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेता राशिद अलवी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी मायावी राक्षस से करते हुए बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि इस देश में राम राज्य होना चाहिए, लेकिन जिस राज्य में बकरी और शेर एक थाम पर पानी पीते हो, वहां नफरत कैसे हो सकती है। राशिद अलवी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस देश में जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को जो लोग गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सलमान की किताब मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन सलमान एक सेक्युलर आदमी है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से नहीं की। उन्होंने कहा कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व है, गांधी का जो कातिल था, उसमें और आईएसआईएस में क्या फर्क है। सड़कों पे चलने वाले इंसानों को जानवर के बदले जान से लिंचिंग हो रही है, उनमें और आईएसआईएस में क्या फर्क है। यही बात सलमान खुर्शीद ने कही है। कोई धर्म आतंक नहीं सिखाता। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, ब्रॉड माइंडेड है। हिंदू धर्म की वजह से ही ये देश सेकुलर है। 80% हिंदू रहता, अगर वो नीचा है तो ये देश सेकुलर नहीं रह सकता। इसलिए हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादियों के साथ नहीं की जा सकती और किसी मजहब किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। ये संभव है कि कोई हिंदू आतंकवादी हो जाए, कोई मुसलमान आतंकवादी हो जाए, अगर साध्वी प्रियज्ञा गांधी से नफरत करती है और गॉडसे की बात करती है तो इसको क्या कहेंगे। चौड़े कंबो में चल रहे 5 दिवसीय कल्किक महोत्सव में कांग्रेसी नेता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राशिद अलवी ने वहां पर कहा कि गोडसे और आईएसएस की तुलना की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांधी से नफरत करने वाले गोडसे की जो बात करते हैं तो वो कितना सही है। कई अहम मुद्दों को लेकर, राम के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए नेता। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज चौराहे पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। सलमान खुर्शीद के लिखे गए किताब के कुछ भाग से आक्रोशित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी को भोला सोनी ने एक ऐसे लोगों को देश छोड़कर जाने की सलाह दी है, तो वहीं भाजयुमो के जिला सचिव आकाश सिंह ने कांग्रेस से
ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका गया, सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद से कुछ लोग नाराज नजर आए हैं, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद प्रदर्शन किया है। एक लिखी पुस्तक में कुछ विवादित बातों को लेकर ये पुतला फूंका गया है। काफी नाराज नजर आए हैं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, जिसके चलते सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका गया है। आपको बता दें कि भाजयुमो के जिला सचिव आकाश सिंह ने कांग्रेस से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो सिद्धार्थनगर से ये खबर सामने आई है, जहां पे हिंदू युवा वाहिनी काफी आक्रोशित नजर आई है, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने एक जो पुस्तक लिखी थी उसमें लिखी गई बातों से लेकर काफी आहत हुए हैं। सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका गया है। सलमान खुर्शीद के लिखे गए किताब के कुछ भाग से आक्रोशित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है, उनका पुतला भी फूका है। और इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के ऐसे लोगों को देश छोड़कर जाने की सलाह दी है। अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव मोहनपुर में प्रशासन के द्वारा गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया, और सीबीओ द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जगह जगह आश्रय स्थल खोले गए हैं, जिससे आवारा गोवंशों को सुरक्षित रखा जा सके, साथ ही गोवंशों से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके और किसानों को भी नुकसान से बचाया जा सके। इसको लेकर जगह जगह गौशालाएं खोली गई है। गौ संरक्षण तो जरूरी है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है किसान की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि ये गौ गायें जो घूम रही हैं, ये सब छोड़ी हुई भी हमारे ग्राम वासियों द्वारा ही है, तो उनको केवल ये जो निराशित है उसको हम गौशाला में संरक्षण करते हैं। और इस समय मैं समझता हूँ करीब हमने 23,000 गाय जनपद अलीगढ़ में गौशालाओं में संरक्षित कर ली है, और आगे भी मतलब हमारा प्रयास यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जनपद में 4 वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र बना रहे हैं हम, जिनमें से 2 आपकी इगलास तहसील में हैं। एक तो यहीं पे बड़ा खुर्द, जिसका काम शुरू हो गया है, उम्मीद है जनवरी तक पूरा हो जाएगा। मयूपुर में गोंडा ब्लॉक में एक बन रहा है, उसका भी जनवरी तक पूरा हो जाएगा। और तीसरा एक लोधा ब्लॉक में नेहरा बन रहा है, चौथा खैर ब्लॉक में। मैनपुरी के घेरोर के जैन धर्मशाला में भाजपा ने नए सदस्यता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है। सदस्यता अभियान प्रमुख विधानसभा करहल संजीव मिश्रा द्वारा पार्टी के पदाधिकारियों को बताया गया कि बीजेपी सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। सरकार गरीब के हित में सरकारी योजनाएं चला रही है, उनको गरीबों तक पहुंचाया जाए और नए लोगों को बीजेपी की कार्यशैली को बताकर उनको बीजेपी का सदस्यता अभियान से जोड़ा जाए। ये उद्देश्य है पार्टी का कि हर कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, सभी 100-100 अध्यक्ष सदस्य बनाना है। नए जो बने हुए हैं, जो बने हुए हैं उनको नई बनाना है, और जो नए बनाना जोड़ना है उनको सभी को, सभी पदाधिकारियों को, सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्षों को 100-100 सदस्य बनाना है। कब तक चलेगा ये, मतलब ये 31 तारीख तक चलेगा। और पार्टी का सोच है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर जात का, हर वर्ग का हमें चाहिए। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है प्रदेश स्तर पर, उसी के अंतर्गत यहाँ बैठक होनी है, और हमारी विधानसभा में भी नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ना है। कब तक चलेगा ये? ये 30 नवंबर तक चलेगा। तो उसमें क्या क्या जानकारी दी जाएगी पार्टी के द्वारा आपके बारे में? हमारे द्वारा जानकारी ये दी जाएगी, सभी जो भी करल विधानसभा में जनप्रतिनिधि हैं, हमारे चेयरमैन हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। कासगंज में हुई पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नाम के युवक की मौत के बाद लोगों के द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगातार कासगंज का दौरा किया जा रहा है, साथ ही मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के छात्रों के द्वारा मौजूदा सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं।
एएमयू छात्रों ने कहा कि कानून के घर में ही कानून की हत्या होती दिखाई दे रही है। अल्ताफ नाम के युवक की मौत कानून की कैद में हुई है, जिसके कारण खादी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं पूरे मामले पर एएमयू प्रॉपर्टी वसीम अली के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि छात्रों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये सामने आया, देखिए पूरी बात का एक दो लाइन का एक शेर हुआ है कि किसके हाथ में मैं अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर पहले हुए हैं दस्ताने कि पूरे प्रदेश का जो मुखिया है चीफ मिनिस्टर, गुट्ठों को मारो, गुंडे भगाओ और गुंडों को मार दिया जाएगा। ठीक है, गुंडे भगाने के लिए आपने तो कहा, लेकिन गुंडे आप क्या पुलिस के वर्दी में आ गए हैं क्या? ऑफिशियली आपने गुंडे भगा लिए, कस्टोडियल डेथ भी जा रही है। सिर्फ यही नहीं कि कासगंज के मामला एक है, आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 1840 डेथ ऐसी हुई है। आज के दिन को अगर हादसों का दिन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन कई हादसे हुए हैं, अलग अलग जगह से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो कि दिल को दहला देने वाली हैं। हाथरस, महाराजपुर, औरैया, लखीमपुर खीरी, औरैया, संभल, ये तस्वीरें हैं जहां पे कई हादसे हुए हैं। पहला शाहजहांपुर, जहां शाहजहांपुर जनपद के कांट थाना क्षेत्र सिमरिया गांव सहजपुर में शाम को बच्चों पर कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई और दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर हाथरस से सामने आई है, जहां हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड पर एक बस रोडवेज बस स्टैंड से तेज गति से निकली और कई राहगीरों को अपनी चपेट में लेती हुई बस स्टैंड के ठीक सामने बियर के ठेके में आकर घुस गई। वहीं रोडवेज बस की टक्कर से तीन आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से दो को सदर पुलिस के द्वारा उपचार के लिए भेजा गया है। वहीं दो मोटरसाइकिलें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब वही तीसरी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जहां लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र के दलराजपुर में बाइक से जा रहे एक युवक को जंगली हाथी ने पैर से कुचलकर मार डाला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही संभल के नक्शा में खेत की जुताई करते समय किसान की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आई है। मृतक जय सिंह अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी अचानक जय सिंह को चक्कर से आ गए और वो ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं अब अगली तस्वीर और खबर औरैया से है, जहां औरैया अछलदा क्षेत्र के गाँव पुरवा दीना में रोडावेटर से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर चौकी ले आई है। वहीं एक और खबर औरैया से है, जहां एक्सीडेंट के बाद पुलिस की मानवता शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने मृतक को बिना पोस्टमार्टम किट के शव को पोस्टमार्टम हाउस में छोड़ आए और वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने विधुना भगत सिंह चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि बगैर परिवार के सदस्यों के लावारिस तरीके से शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया, जिसके बाद वो काफी आक्रोशित नजर आए और शव को रास्ते में रख के जाम लगा दिया गया। तो ये हादसों भरा दिन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि छह तस्वीरें सामने आई हैं हादसों की, जहां भीषण हादसे हुए हैं और बुरी तरह से लोग घायल भी हुए हैं तो कई कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जहां हाथी का आतंक देखने को मिला तो कहीं हादसे, कहीं बस अनियंत्रित होकर कई लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतारने को तैयार दिखी, तो कहीं ट्रैक्टर से व्यक्ति की मौत हो गई। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई हैं, हाथरस, शाहजहांपुर, औरैया, लखीमपुर खीरी, औरैया, संभल, ये तमाम खबरें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि ये सारी खबरें यूपी की हैं और यूपी में बता रही है कि कितने दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। वहीं हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, और लखीमपुर के सिंगाही थाना क्षेत्र में जो जंगली हाथी ने पैर से कुचल दिया है, उस बारे में हम धीरज से जानकारी चाहेंगे। धीरज, जिस तरह से जंगली हाथी ने व्यक्ति को कुचल दिया, उसकी मौत हो गई है, पूरे इलाके में इस वक्त कैसा माहौल है?
देखिए बिल्कुल बता दें, लखीमपुर खीरी के सिगाही थाना क्षेत्र के दलालपुर गांव का मामला, जहां पर बाइक से सवार होकर जो है मृतक किसी काम से मजरा पूर्वा से गया हुआ था। रास्ते में वापस आते समय गन्ने के खेत से हाथी निकला और अचानक बाइक पर हमला करने के बाद में पैर के नीचे दलाल को कुचल करके मौत हुई है। पैर के नीचे कुचलने के बाद में उसके बाद में देखिए ग्रामीणों में पूरी तरीके से आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के द्वारा डीपो को फोन से सूचना भी दी गई, लेकिन घटना के 3 से 4 घंटे बीत हो जाने के बाद भी वन विभाग का कोई भी कर्मी नहीं पहुंचा। लेकिन वहां पर अगर देखा तो पुलिस पहुंची, पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर, सबको कब्जे में लेने के बाद में जो है पीएफ के लिए भेजा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें वन विभाग की, तो पूरी तरीके से लापरवाही देखी जा सकती है। 4-5 घंटे भी बीत हो चुकी है घटना को, लेकिन अभी तक वन विभाग कर्मी का कोई भी नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। जी धीरज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहले भी इस तरह से हाथी देखने को मिले हैं खेतों में? देखिए बिल्कुल बता दें, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, जो लोग हाथियों के झुंड से जख्मी हुए हैं। अभी मोमबी क्षेत्र का मामला इससे पहले हुआ था, एक निघासन कोतवाली क्षेत्र में का मामला, जहाँ पर कई लोग जख्मी हुए थे, किसान जख्मी हुए थे। लेकिन वन विभाग के द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा जिस तरीके से इन घटनाओं को रोका जा सके। धीरज, इससे पहले भी वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? बिल्कुल, वन विभाग के उच्च अधिकारियों को जानकारी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना कि वन विभाग के द्वारा कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे कि आम किसानों की जान बचाई जा सके। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ धीरज जुड़े थे लखीमपुर खीरी से। और इस अब हमारे साथ औरैया की खबर पे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, दो खबरें सामने आई हैं हादसों की औरैया से, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास दोनों खबरों से संबंधित? जी मैम, आपको बता दूं कि औरैया जो पुलिस का मांगवी चेहरा सामने देखने को मिला है, ये बड़ी खबर है जी। जो पुलिस विभाग ने बिना ही किट के डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रख के ले जाते हैं, वही सदनों के द्वारा वहां पर भगत सिंह चौराहे को जाम करके नारेबाजी करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। वही आक्रोश होकर लोगों को, वही पुलिस मौके पर आ जाती, पुलिस ने आकर उनको समझाने का प्रयास किया, वगैरह छोटानामा भी होता है। वही प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो पुलिस जिस तरह से ये मामला सामने आया है और घर वाले प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या शव का अंतिम संस्कार कर दिया है और पुलिस के ऊपर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? जाहिद, अंतिम संस्कार की बात की जाए तो अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। वही पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में जब एसपी से बात की है, तो एसपी महोदय ने बताया कि इस संबंध में जी जाहिद, एक रोडवेज टक्कर की बात भी खबर भी सामने आई है, जहां युवक की दर्दनाक मौत हो गई है रोडवेज से, तो माफ करिएगा रोडावेटर से कटकर, तो उसके बारे में आपके क्या पास जानकारी है? रोडावेटर की बात किया, किसान एक खेत में अपने काम कर रहा था, उसी दौरान वो रोडावेटर के पीछे बैठा हुआ था, किसी कारणों से उस रोडावेटर में चला जाता है, वहां पर उसकी मौत हो जाती है। जी, पुलिस को सूचना मिलती है ग्रामीण द्वारा, तो वहाँ उसको पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ औरैया से संवाददाता जाहिद जुड़े थे। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से हादसे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब अगली खबर की तरफ रुक करते हैं, जो कि अलीगढ़ से है। अलीगढ़ की तहसील खैर के पलवल रोड पर इफको किसान सेवा केंद्र पर किसानों को डीएपी नहीं मिलने से महिला किसान समेत सैकड़ों किसानों ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। किसानों द्वारा सड़कों पर घंटों लगाए गए जाम में 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंस रही है और मौके पर पहुंचे पुलिस ने किसानों को समझा बुझा कर 2 एम्बुलेंस सहित एम्बुलेंस में फंसे मरीजों को भी निकलवाया है। कहाँ के रहने वाले हो? सालपुर से। अच्छा, किस बात को लेकर के जाम लगाया है? जाम लग रहा जी, पिछले 5 दिन से मैं लगातार हूँ, सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे और आज आया हूँ मैं 5:30 बजे। डीएपी नहीं मिल रही, 2 कट्टा मिल रहा है मेरे पास में, मेरे पापा के पास में 40 बीघे जमीन है, ठीक है, और भी जमीन है जिसमें लाया है बिना डीएपी के लाया। हाथरस में चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के आशीर्वाद धाम कॉलोनी की रहने वाली सुषमा दौज पर अपने मायके भाइयों के दौज करने गई थी और उसका पति सीआरपीएफ में नौकरी करता है। वहीं घर अकेला पाकर चोरों ने घर में चोरी को अंजाम दिया, जिसकी सूचना सदर कोतवाली में दी गई है। वहीं सुषमा ने बताया कि चोरों के द्वारा लगभग 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दी गई है।
सर मेरे घर पर 6 तारीख की नाइट में चोरी हो गई थी और मैं CRPF में हूँ। आज छुट्टी से वापस आया हूँ। जब मेरे पास खबर पहुँची तो मैं छुट्टी लेकर वापस आया हूँ। 5 तारीख को मेरी वाइफ अपने मायके गई हुई थी भैया दौज के लिए जी, और 5 तारीख की नाइट में वो घर ही रुकी हैं और 6 तारीख की नाइट में घर में चोरी हुई है। पड़ोसियों ने बताया। वही अब खबर औरैया से है, जहां एक्सीडेंट के बाद पुलिस की मानवता शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पुलिस ने मृतक को बिना पोस्टमार्टम किट के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बिधूना भगत सिंह चौराहे पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों का आरोप है कि बगैर परिवार के सदस्यों के लावारिस तरीके से शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। इससे पहले जिला अस्पताल में भी नहीं दिखाया गया। वही औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मामले संज्ञान में आने के बाद विभाग ये जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कल दिनांक 10/11/21 को थाना बिधुना के अंतर्गत एक बाइक और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति सौरभ सेंगर जी की मौके पर मौत हो गई थी। आज घर वालों द्वारा इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा सौरभ सेंगर जी के शव को सही ढंग से गाड़ी में नहीं रखा गया और हॉस्पिटल ना ले जाकर के सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया था। कहने को तो देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, लेकिन आज कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां से विकास कोसों दूर नजर आता है। आधुनिक युग में भी गांव बीहड़ की तरह नजर आता है। ऐसा ही मामला जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली के गांव मोसलाबाद से सामने आया है, जहां लंबे समय से आधा दर्जन गाँव की जल भराव की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रशासन से काफी बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन गाँव की ओर ध्यान देने नहीं है कोई। यही कारण है कि यहां के लोग दयनीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। यहां एक और प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस गांव की ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जलभराव की समस्या के कारण तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पुष्पेंद्र लोधी, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 8। ग्यासपुर पे जो सड़क है, क्या समस्या है इसकी, कब से है? देखो, ये समस्या काफ़ी पुरानी है। वैसे मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 से सदस्य हूँ और जो क्षेत्र है वो वार्ड नंबर 7 में आता है। क्योंकि ये सड़क आम रास्ता है, मैं भी यहाँ से आए दिन निकलता हूँ, मुझे भी काफ़ी परेशानी होती है। गाड़ी बार बार गिर जाती है, निकलने में इतनी दिक्कत होती है कि यहाँ पर ये पिछले जो गाँव हैं, 3 गाँव हमारे इस रास्ते जुड़े हुए हैं, जो जिनका मुख्य रास्ता है 13, ग्यासपुर और स्वालेपुर, नगला लोधा चपटा के लोग यहाँ से निकलते हैं। सुरक्षित रास्ता है, रात में कोई लूटपाट नहीं हो सकती, लेकिन इस रास्ता के टूट जाने से हम सबको समस्या हो रही है। एक दो बार मैं भी यहाँ पर गिर चुका हूँ, लेकिन मजबूरी है, अगर इस रास्ते को हम छोड़ देते हैं तो घूमकर अगर जाते हैं तो 6 किलोमीटर लगभग हमको रास्ता अधिक तय करना पड़ता है। जनपद कानपुर देहात में फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। कहर इस कदर की दबंगई देखने को मिली है कि पिटाई से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया और युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं मामला है जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अहरौली शेख गाँव का, जहाँ के रहने वाले नन्हे और पड़ोस के दबंग अनीश से काफी दिनों से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। दबंग अनीश आए दिन नन्हे से मकान खाली करने को कहता था और जबरन मकान खाली कराने की धमकी भी दिया करता था। इसी के चलते आज दबंग अनीस ने अपने साथियों के साथ मिलकर नन्हे के परिवार पर हमला बोल दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। ये थाना भोगनीपुर क्षेत्र के पोखराया कस्बे में अहरौली से एक गांव में एक 25-26 वर्षीय युवक की डेड बॉडी मिली है और उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके पड़ोसी से उसका जमीन का विवाद था। उसी क्रम में उन्होंने पत्थर मार के ईंट मार कर हत्या कर दी है। जाहिरा चोट किसी तरह डेड बॉडी पर नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है और संबंधित परिजनों से तहरीर ली जा रही है, नियमानुसार विवेचना की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 102 पुलिस वाले लेके आए थे भोगनीपुर से, ठीक है, तुरंत लेके आए उसको, ये बताया कि ये गंभीर अवस्था में है, ठीक है, तुरंत मैं आया अपने रूम से उतर के, तुरंत बगल वाले कमरे से
उसको देखा, चेक किया पूरा अच्छी तरीके, तो वो मृत अवैध था। मतलब कि आगे रहती है झोपड़ी में, आगे रहती है झोपड़ी में, तो मुसलमान धमकी देते हैं, कहते हैं आगे नहीं रहने देंगे, मार लगा देंगे, फिर मैं एप्लीकेशन देने गए, सर मेरी कोई सुनवाई नहीं की, दरोगा ने तो कान लगवा दिया, कप्तान साहब भी रहने देने गए। अलीगढ़ के तहसील अतरौली के गांव लोगढ़ में एक हरे पेड़ की डाली से आग निकलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हरे पेड़ से निकलने वाली आग को देखने के लिए आसपास से दर्जनों गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं सुबह से निकल रही ज्वाला शाम तक फराटेदार आग के रूप में तब्दील हो गई। खास बात ये दिखी कि जब पेड़ से आग की ज्वाला निकल रही थी, तब ना तो पेड़ को कोई नुकसान होता दिखाई दिया और साथ ही न पेड़ के किसी तने को जलता हुआ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उसी पेड़ के नीचे मंदिर बनाने की घोषणा की गई। कुछ लोग इसे देवी का चमत्कार कहते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा इसे साइंस का चमत्कार कहा जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा फिलहाल यहां एक मंदिर बनाने की घोषणा जरूर कर दी गई है। तो अचानक हरे भरे पेड़ से जहां आग निकलने की बात सामने आई है, तो उसके बाद ग्रामीणों ने फिलहाल यहां मंदिर बनाने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।